और थोड़ा इंक्रीमेंट भी मिल गया। वाह यार दीपक, पर ये झूठ था। गाइज एंड वेलकम बैक टू चैनल। इट्स नॉट अ गुड डे। सुबह से मेरी बहुत तबीयत सी खराब हो रही है। अच्छा सा फील नहीं हो रहा, तबीयत भी खराब हो रही है। घर को भी मिस कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो, ऐसे ही हो रहा है। और वो ही चलते तारा का भी सेम सिचुएशन हो रही है। तारा भी थोड़ी क्रैंकी सी हो रही है, मैं क्रैंकी, तारा क्रैंकी। दीपक को मैंने मैसेज किया था कि प्लीज़ जल्दी आ जाओ आज, पर दीपक ने अभी मैसेज देखा, वो 5-10 मिनट में पहुंचने वाला है। मैंने ना 2-3 दिन से स्ट्रॉलर यहाँ रख दिया क्योंकि वहाँ स्पेस कवर कर रहा था। और मैंने अभी देखा, मैंने जैसे ही इसको हिलाया, इसमें से एक कबूतर जो है वो उड़ के गया। और पता है बाहर बहुत ठंडी हो रही है, मिड मई में इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है यहाँ पर, तो ऑफकोर्स कबूतर को भी ठंडी लग रही होगी, इसलिए तो यहाँ पर बैठा। बट वो भग गया, लेकिन अब मैं इसे अंदर कर देती हूँ क्योंकि एक ठीक है, बर्ड्स तो एक चीज़ है, लेकिन शायद यहाँ से मुझे लगता है रात में कीड़े वीड़े भी आते होंगे, तो इसलिए इसको अंदर रख लिया जाए। ऐसे आपको फील नहीं आता यहाँ पर कि जैसे शिमला मनाली पचमढ़ी टाइप का एकदम ग्रीनरी हो रही है, आवाज़ आ रही है चिड़िया की, बहुत ही अच्छा लगता है यार। बाहर निकलते से ही बहुत 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 नेचर वाला फील आता है यहाँ। बाकी सब चीज़ें तो सही नहीं चल रही, पर मतलब इन माई माइंड इन माई हार्ट सब सही है, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है। वही दिन है आज, तो जबकि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे तो और खुशी होनी चाहिए, पर ठीक है, चाय पियेंगे दीपक के साथ तो शायद अच्छा। के लिए मैंने कुछ और भी मंगाया है, नेक्स्ट करके ब्रांड है। नेक्स्ट ब्रांड पे बहुत अच्छे बच्चों के कपड़े मिलते हैं, कलरफुल, तो ये मंगाए हैं। अब जब इसको ट्राई कराएंगे ना, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे रखते हैं। तो इनका पैक आता है 3 का 4 का 6 का। अब गर्मी आ गई तो मैंने सोचा चलो पहले के भी जो नेक्स्ट के कपड़े थे वो मैंने ज़ालंडो से मंगाए थे, पर ज़ालंडो में थोड़े महंगे मिलते हैं। ये डायरेक्टली नेक्स्ट वेब्स उनकी जो ऐप है उसके थ्रू मंगाए हैं, तो ये थोड़े से सस्ते हैं, 5-6 यूरो हर एक उस पर। और दूसरी बात, ज़ालंडो से 1-2 दिन में आ जाता है, पर इससे पूरा 1 हफ्ता लगा। तो योर चॉइस कि मतलब आपको कहाँ से मंगाना है, बट हम लोग जो है वो 1-1 महीने के कपड़े जो हैं तारा के मंगाते रहते हैं, क्योंकि साइज़ यार बहुत ही जल्दी छोटे होते रहते हैं। मतलब कुछ कपड़े तो मैंने 1 भी बार नहीं पहना है यार, और इतने अच्छे अच्छे कपड़े रखे हैं, आप क्या करें उनका। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अच्छा लग रहा है? ठंडा तो नहीं लग रहा? अब अच्छा लग रहा है आपको? हो अब अच्छा लग रहा है? मम्मा नॉट फीलिंग गुड, तारा नॉट फीलिंग गुड, हाँ मम्मा फीलिंग गुड, तारा फीलिंग गुड, दोनों का कनेक्शन है ना ऐसा? हाँ बच्चा, हाँ बच्चे, अरे बच्चा, गुलू 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 गुलू, तारा हंस दो प्लीज। अब तो मम्मा हैप्पी है, मतलब तारा भी हैप्पी है। और एक और चीज़, डैडी भी आने वाले हैं, मतलब डैडी भी हैप्पी है, तारा मम्मा डैडी तीनों हैप्पी हैप्पी है। देखो हंस नहीं रही अभी तक, तो ऐसे खिलखिला के हंसती। हाँ, ठीक है, गुल्लू 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 गुल्लू। दीपक, इसके स्ट्रॉलर में बाहर कबूतर निकल गया था, है? कबूतर बैठा हुआ था नीचे के ऊपर, ऊपर उड़ के गया, उसे भी ठंड लग रही होगी। पर मुझे ये याद आया कि अगर इंडिया से बाहर से निकालते तो छिपकलियाँ निकलती हैं। क्या बोल रहे बेटी? कबूतर, कबूतर निकल गया, आपने कबूतर भी बना रखा है दोस्त। कबूतर सो रहा था इसके स्ट्रॉलर। आज इतनी हैप्पी हैप्पी नहीं है। हैप्पी हैप्पी तो है, हैप्पी हैप्पी तो है, है ना? बो किन्ना सोया? किन्ना सोया? इन्ना इन्ना सोया। जैसा कि मैं बता रही थी कि मुझे अच्छा अच्छा नहीं लग रहा, दीपक एक खुशखबरी लेके आया है, रुको बताते हैं। खोल रहा था मैं, बोल रही हूँ क्या है ये? इसमें
इसमें कुछ कुछ मिला है मुझे। इसको इंक्रीमेंट मिला है, दुनिया में किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट जर्मनी में तो रिसेशन के चलते। और बेचारे पर दीपक को शेयर्स भी मिल गए और थोड़ा इंक्रीमेंट भी मिल गया। नहीं मानता यार दीपक, कंपनी तो तरक्की तुम्हारी कर रही है। हमारी कंपनी बेचारी अभी बढ़ने की कोशिश कर रही है आगे, पर सही है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो पार्टी होनी चाहिए। है पार्टी करेंगे, चाय पियेंगे अब तो खुश हो जाओ। दादी की चेली भूल गई। आई डोंट केयर, अपने को फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे जो टॉय चाहिए वो ले आऊंगी मैं। मुझे जो दिलाना है वो दिलाओगे यार। वो तो आपको गरीबी में भी दिलाएंगे। गरीबी में कैसे दिलाएंगे, इतना ओवर कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। इतना कमिटमेंट ओवर कर दिया। दीपक साउंड्स लाइक टिपिकल पापा जो नहीं बोलते अरे कुछ भी कर लो बेटा हम इंतजाम कर लेंगे, और जब बात आती है फीस भरने की कुछ लेने की तो कहते हैं अरे यार अभी नहीं अगले महीने। यार हिंदुस्तान के पिताजी लोग भाई साहब जान देके भी फीस भरते हैं, क्या बात कर रही है। फीस नहीं कुछ ले। थैंक यू क्रोसेंट, नॉट सिर्फ क्रोसेंट, इसके अंदर चॉकलेट भी है। चाय को फेंक दो, कॉफी को। उसको कैसे देख रही है? कर रही है सुड़ी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आ गया, अब इसको खोलना है। और अभी मैं ऐसे ही खोल रही हूँ। कपड़े समर कपड़े, समर तो आ नहीं रही लेकिन समर के कपड़े आ गए हैं। तो मैं बता ही देती हूँ क्या है ये। नेक्स्ट में जो है कलरफुल और बहुत अच्छे ऐसे पैक्स में मिलते हैं, तो ये चार कलर के हैं। ओ यार है ना, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। मंथ के हिसाब से तो ये 3 to 6 months के हैं, तो तारा ऑलरेडी 3 months की हो गई है। तो अब ये समर में ये पहनेगी, ये चार का पैक, तो घर में आराम से पहना सकते हैं। और फुल भी मंगा ली क्योंकि देखो मौसम भी चेंज हो रहा है। हाँ मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। तो ये फुल का 3 का पैक, तो ये भी मैंने कलरफुल। हाँ ये सही किया है ना। तो ये बड़े लग रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो 3 months का था बच्चे के 3 to 6 months में ज्यादा नहीं बड़े हैं, मतलब अभी पहनाएंगे इसको तो लूज आएंगे, तो 6 months तक आएंगे ये, क्योंकि ये साइज आते ही होंगे जब लिखा तो नहीं तो 5। तो ये 3 to 6 months के हैं दोनों, बढ़िया। और हाँ सॉक्स भी मंगाए थे। हाँ जरूरी था क्योंकि वो छोटे वाले पहनेंगी। तो और वो जो एक वेबसाइट है वो जब आएंगे तो आएंगे, उस पर मैंने इसके लिए शूज भी मंगाए। दीपक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। दीपक यूएस में था और मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे लगा 500 यूरो लगेंगे, वैसे लगते भी तो क्या हो जाता, लेकिन दीपक ने बोला कि कोई बात नहीं सुर भी पैसे सारे मिल जाएंगे, जबकि इसे पता था कि नहीं मिलेंगे। तो मुझसे गलती हो गई थी इसीलिए, पर दीपक ने बोला अरे जितने का भी हो रहा है करवाओ, सारे पैसे वापस मिल जाएंगे इंश्योरेंस से। पर ये झूठ था। और ये दीपक की फेवरेट चीज स्टॉक आउट हो गई क्या? ये दीपक पेपर इतने किचन पेपर यूज करता है कि इसने पूरा खाली कर दिया है। मैं यहाँ घूम रही थी तो केक्स वेक्स दिख रहे थे यहाँ पर और बहुत सारे गुलदस्ते वगैरह, तो मैंने सोचा किस लिए, तो मदर्स डे है यहाँ पर इसीलिए, तो हार्ट शेप के केक्स वगैरह। मुझे ये चीज़ याद आई कि यहाँ पर जो है वो मदर्स डे जो है वो 14th मई को है, जबकि बाकी यूके वगैरह में जो है वो मार्च में मनता है। दीपक है ना, बट इंडिया में तो संडे को ही है नो हार्ट शेप केक। मॉर्निंग एवरीवन, देखो अभी तारा की क्या मस्तियां चल रही है।
कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और कल कुछ बात करो। तारा तारा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तारा कोई सा अच्छा सा गाना सुना दो। हाँ, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। आज का खाना जो कि दीपक ने बनाया, कंटिन्यूइंग टू नॉट गुड नॉट वेल वाली सीरीज। हाँ, मेरे को ठीक नहीं लग रहा था इससे थोड़ा। तो दीपक ने हेल्दी बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, ये देखो प्लेटर में लगा हुआ। और दीपक से पूछो कि दीपक पहले खाना बनाना आता था तो क्या, बिल्कुल नहीं आता था ना, इवन लेना भी नहीं आता था। लेना तो आता ही, ट्राई मतलब कभी लिया नहीं, लिया ही नहीं था। हाँ। मम्मी मम्मी दे देती थी, भूख लगती थी, हमें खाना दे दो। बट मजबूरी सब करा देते, बीत गए वो दिन। अरे भैया खा सकते हैं क्या? माशाल्लाह, ये लास्ट मैंगो था, बनाने वाले के हाथ कटवा दो। कटवा दे, ठीक है, आज ही सारे सरिया लेके आएंगे। एक्चुअली बहुत टेस्टी है, सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है, लाजवाब। तो हम कौन सी सीरीज देख रहे हैं? धार करके कोई आ रही है, पर अपन को वो देखनी है ना, गर्मी, हम लोग गर्मी सीरीज देख रहे हैं, बहुत अच्छी है। नई ग्रॉसरी स्टोर ओपन हुई है जिसका नाम है देसी ग्रॉसरी, वहाँ पर आए हैं। हाँ यही है, और इसमें तो मुझे कपड़े वपड़े बैग वैग भी दिख रहे हैं। ओ हाँ, है ना।